हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, कल एसएससी जेई 2018 का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के मन में अभी भी डाउट है कि ज्वाइनिंग कब तक होगा, एटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है, मेडिकल फॉर्म जो है कब तक आएगा, बाय पोस्ट आएगा या ईमेल के थ्रू आएगा, ज्वाइनिंग कौन देगा, एसएससी देगा या डिपार्टमेंट देगा। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में अभी भी डाउट है, तो इसी सब का जो सॉल्यूशन है मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपको बता दूँ कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब होगा। देखिए, मेरा ऑलरेडी डिटेल्स में वीडियो है, हर एक डिपार्टमेंट के बारे में बताया है और वहाँ पर ये भी बताया गया है कि भाई कब तक ज्वाइनिंग हो सकता है एसएससी जेई 2018 का। हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपका जो है यहाँ पर आप बेल आइकन पर भी देख सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको पहले सी पी डब्ल्यू के बारे में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर अगर प्रूफ वगैरह आप लोग मांगेंगे तो भाई प्रूफ मैं दे दूंगा। आपका टेलीग्राम ग्रुप जो है उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। नहीं तो आप जो वीडियो, जैसे मैंने बोला कि भाई सी पी डब्ल्यू के ऊपर, बी आर ओ के ऊपर, एम एस के ऊपर, सेंट्रल ऑर्डर कमीशन के ऊपर डिटेल्स में वीडियो है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग के ऊपर, तो वहाँ पर मैंने हर एक डॉक्यूमेंट्स को, हर एक प्रूफ को मैंने अच्छे से समझाया था, तो वो वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ डाटा बताऊंगा, जो डाटा मुझे मिला है उसको मैंने एक जगह पर जो है लिख के बताया है। भाई, अटेस्टेशन फॉर्म और मेडिकल कब तक होगा सी पी डब्ल्यू का, जो 2015 में अगर देखेंगे लगभग डेढ़ महीने बाद फाइनल रिजल्ट जैसे आपका कल आया है, सेम चीज़ जब एस एस सी जेई 2015 का फाइनल रिजल्ट आया था उसके लगभग डेढ़ महीने बाद उनका मेडिकल हो गया था, मतलब मेडिकल के लिए फॉर्मेट भेजा गया था। मेडिकल और अटेस्टेशन फॉर्म का फॉर्मेट जो है एक साथ आपको भेजा जाता है, उसको साइन वगैरह करके, मेडिकल हॉस्पिटल से साइन वगैरह करके आपको भेजना होता है बाय पोस्ट, और इसके लिए भी टाइम दिया जाता है लगभग 20 से आपका 30 डेज, मतलब एक महीने के आसपास जो है टाइम दिया जाता है आपको, मतलब रिटर्न देने के लिए आपको फिर से आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना पड़ता है डिपार्टमेंट में। अब आपके पास जो आएगा या बाय ईमेल आएगा या बाय पोस्ट आएगा, भाई बाय पोस्ट ही आता है, ईमेल किसी किसी डिपार्टमेंट में जो है ईमेल प्लस बाय पोस्ट दोनों आता है, लेकिन बाय पोस्ट हर एक डिपार्टमेंट में आएगा, ईमेल हर एक डिपार्टमेंट में नहीं आएगा, लेकिन बाय पोस्ट जो है हर एक डिपार्टमेंट में आएगा। उसके बाद अगर 2016 की बात करें तो भाई एक महीने बाद आया था, 2017 में दो महीने बाद, और 2018 में अब कब तक आएगा, मेरा मानना है अगर देखिए सभी डाटा को अगर देखेंगे भाई, मिनिमम एक मंथ, मैक्सिमम दो मंथ, मतलब इसके अंदर ही आ जाएगा आपका एटेस्टेशन फॉर्म एंड मेडिकल। अगर 11 जनवरी से कैलकुलेट करें तो भाई फेब्रुआरी 15 के बाद कभी भी आ सकते हैं, मतलब फेब्रुआरी 15 से लेके आपका मार्च लगभग 10 के अंदर जो है कभी भी आ सकता है। तो मान के चलिए कि फेब्रुआरी लास्ट वीक तक आप लोगों का जो है मेडिकल वगैरह का जो भी फॉर्म वगैरह है सब कुछ आ जाएगा आपके घर पर। उसके बाद ज्वाइनिंग कब तक हुआ था सी पी डब्ल्यू में, भाई 2015 की अगर बात करें भाई 5 मंथ में ज्वाइनिंग हो गया था, 2016 का बात करें तो भाई 5 मंथ में हो गया था, 2017 में भाई जो है 9 मंथ लगा था। अब 9 मंथ क्यों लगा, ये डाउट आपके मन में हो सकता है। देखिए, 9 मंथ इसीलिए लगा, 2019 में इनका ज्वाइनिंग हुआ था, लगभग जून में ज्वाइन हुआ था, लेकिन आपको पता होगा कि रिजल्ट जो है 2018 लगभग आपका 9 अक्टूबर में आया था, लेकिन इस बीच जो है आप देख सकते हैं कि कितना टाइम लगा था, लेकिन इस बीच जो है आपका इलेक्शन था, मतलब लोकसभा का इलेक्शन था, इसीलिए आपको पता होगा कि भाई जब इलेक्शन वगैरह होता है तब जो भी काम होता है ना सब कुछ जो है स्टे लग जाता है और सब कुछ इलेक्शन कमीशन के हाथ में चला जाता है, तो इसी कारण जो है मुझे लगता है ज़्यादा टाइम लगा था इस टाइम और इसीलिए 9 महीना लग गया था। लेकिन इस बार अगर आप लोग पूछेंगे लगभग मान के चलिए 4 से 6 महीने इस बीच आपका ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए। 4 महीना मैं क्यों ले रहा हूँ, भाई 2014 की अगर बात करें तो लगभग 4.5 के आसपास जो है ज्वाइनिंग हुआ था, तो देखिए ऑलमोस्ट आपका 2019 जुलाई में लास्ट ज्वाइनिंग हुआ है सी पी डब्ल्यू में। अब लगभग 1.5 साल हो चुका है सी पी डब्ल्यू में ज्वाइन होते हुए, इसके बीच में कोई ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हुआ है, तो सी पी डब्ल्यू शायद कोशिश करेगा कि आपको जल्दी ज्वाइनिंग दे दिया जाए, लेकिन 4 महीने से पहले कभी, मतलब मिनिमम 4 महीने लगेगा, मैक्सिमम 6 महीने आपको मान के चलिए। इसके अलावा जो है देखिए मुझे नहीं लग रहा कि इससे डिले होना चाहिए, तो अगर आप लोग जनवरी से कैलकुलेट करेंगे भाई 4 महीने पहले कैलकुलेट कीजिए, तो लगभग देखिए फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब मई मंथ से लेके आपका जुलाई मंथ, इस बीच आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा, इस बीच आप लोग का ज्वाइनिंग बिल्कुल हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से।
अब चलिए एमईएस के बात कर लेते हैं भाई। एमईएस का देखिए मेडिकल वगैरह जो भी होता है एक साथ ही होता है, मतलब जब ज्वाइनिंग लेटर आता है उसी के साथ आपका फॉर्मेट वगैरह दिया जाता है, उसको आपको जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है आपकी नज़दीकी वहाँ पर जाके साइन वगैरह करके आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए जब जाएंगे तब ले जाना पड़ता है। तो इसी के लिए जो है मिनिमम आपका 5 मंथ लगा था 2015 में, 2016 में लगा था 4 मंथ के आसपास, और 2017 में 6 महीना। अब 2017 में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम किस लिए लगा भाई, एक तो इलेक्शन था, ऊपर से एमईएस ने फर्स्ट टाइम जो है पोस्ट प्रिफरेंस या आपका जोन प्रिफरेंस पूछा था। उनका एक्चुअली जोन नहीं होता, उनका कमांड होता है, तो कमांड प्रिफरेंस उन्होंने पूछा था 2017 में फर्स्ट टाइम। अब 2018 में पूछेगा या नहीं मुझे अभी तक कुछ अपडेट नहीं मिला है, लेकिन जैसे अपडेट मिलेगा मैं आप लोग को बता दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर 2017 में उन्होंने पूछा है तो भाई 2018 में भी पूछना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर एमईएस की बात करें कब तक ज्वाइनिंग हो सकता है, यहाँ पर भी सेम चीज़ भाई, 4 महीने से लेके 6 महीने के आसपास जो है आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम चीज़, मई से लेके जुलाई के आसपास जो है आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, उससे ऊपर जाना जो है डिफ़िकल्ट, मतलब कुछ रेयर केस हो जाएगा तभी होगा। मतलब मान लीजिए कि भाई जुलाई से आगे हो सकता है, नहीं भाई जुलाई से भी आगे हो सकता है, पॉसिबल तो कुछ भी है। जैसे कोविड-19 जैसे अगर कुछ आ गया फिर से तब तो भाई सितंबर भी हो सकता है, अक्टूबर भी हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है। लेकिन मैं जो नॉर्मल सी बात है कि भाई इस बीच में होना चाहिए, तो इसलिए बोल रहा हूँ मई से लेके जुलाई के आसपास जो है आपका मिनिमम में मैक्सिमम जुलाई, मेरे हिसाब से इस बीच में आपका कहीं भी ज्वाइनिंग हो सकता है। उसके बाद सेंट्रल ऑर्डर कमीशन में भाई सबसे अगर स्पीड कहा जाए तो भाई सबसे स्पीड जो है सेंट्रल ऑर्डर कमीशन में ज्वाइनिंग होता है। 2015 में लगभग 3 महीने के अंदर जो है ज्वाइनिंग मिल गया था। मतलब ज्वाइनिंग देखिए, ज्वाइनिंग जो है आपका एक लिस्ट आता है, यहाँ पर आपका प्लेस पता हो जाता है कि हाँ यहाँ पर मेरा पोस्टेड है। अब ज्वाइनिंग के लिए लगभग 20 दिन या 1 महीने जो है टाइम दिया जाता है, आप उस बीच में आपको जाना होता है। तो 3 महीने में आपका नोटिस आ गया था उनका, मतलब एक्चुअली जोन कौन सा जोन मिला है, उसके बाद लगभग 15-20 दिन और जोड़ लीजिए तो उस टाइम जो है इनका ज्वाइनिंग हो गया था। अब 2016 का डाटा मुझे नहीं मिला है, लेकिन 2017 में लगभग 2.5 महीने बाद जो है उनका ज्वाइनिंग हो गया था। तो इस बार कब तक होगा भाई, इस बार मैं मान के चल रहा हूँ 3 महीने मिनिमम, मैक्सिमम 4 महीने। मतलब जनवरी से अगर कैलकुलेट करेंगे भाई, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल से लेके मई तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अप्रैल से लेके मई के बीच में आपका ज्वाइनिंग आप लोगों का हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब बात कर लेते हैं बीआरओ। देखिए बीआरओ का मेडिकल के लिए वीडियो आपको कल मिल जाएगा, कल नहीं तो परसों मिल जाएगा, आज उनसे बात होगा। एसएससी सीएचएसएल 2017 में भी बीआरओ में एलडीसी की पोस्ट के लिए सिलेक्टेड हुआ है। कल की डेट में उनका रिपोर्टिंग था, मतलब मेडिकल के लिए उनको बुलाया गया है। तो कल तो उनका मेडिकल नहीं हुआ है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, आज मेडिकल शायद हो रहा है उनका। तो आज रात में उनसे बात करूँगा, जो भी अपडेट होगा मैं कॉल रिकॉर्डिंग करके आप लोग को बता दूँगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इनका मेडिकल के लिए कब बुलाया जाएगा और ज्वाइनिंग कब तक होगा। भाई 2015 में सिर्फ और सिर्फ बीआरओ का पोस्ट था, 2016 में भी नहीं था, 2017 में भी नहीं था। तो भाई 2016 में जो डाटा मिला, सॉरी 2015 में जो डाटा मिला है, लगभग 3 महीने बाद, फाइनल रिजल्ट का 3 महीने बाद उनको मेडिकल के लिए बुलाया गया था। और ज्वाइनिंग की बात करें तो भाई ज्वाइनिंग 8 महीने बाद, और यहाँ पर मेरा मानना है लगभग 2 मंथ से लेके 3 मंथ आपका मेडिकल के लिए लगेगा, क्योंकि देखिए सीएचएसएल का मेडिकल चल रहा है तो इस बीच तो नहीं बुलाएगा। ऊपर से जो मेडिकल का प्रोसेस होगा वो भी थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि देखिए लगभग 850 के आसपास जो है स्टूडेंट सिलेक्टेड हुआ है आपका बीआरओ में, तो एक साथ तो सबको बुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि भाई आप भी जानते हैं एक साथ बुलाया जाएगा तो एक तो कोविड-19 जो भी चल रहा है अभी, तो देखिए चलो वैक्सीन वगैरह आ गया है अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कुछ जो है अभी भी जगह पे जो है इकट्ठा होना मना है। तो हो सकता है कि जल्दी ना बुलाए, और बुलाएगा भी तो थोड़ा थोड़ा करके बुलाएगा, ऐसा नहीं कि सबको एक साथ बुला लिया जाएगा। तो 2 से लेके 3 महीने तक आप मान लीजिए मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और ज्वाइनिंग जो है 8 महीना इतना मुझे नहीं लग रहा कि होना चाहिए, लगभग 6 मंथ आप लोग मान के चलिए, मतलब बीआरओ में सबसे लेट ज्वाइनिंग होने वाला है। तो मान के चलिए आपका ज्वाइनिंग जो है जुलाई से लेके अगस्त तक आप लोग को खींचेगा बीआरओ में, बाकी डिपार्टमेंट का आप लोग देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई अगर आपको ये सब डाटा मुझे कहाँ मिला है, सब कुछ अगर देखना है तो भाई मैंने जैसे बोला हर एक डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल्स में मैंने बताया है, मेडिकल प्रोसेस क्या क्या होता है, आपका प्रमोशन कैसे होता है, आपका पोस्टिंग कहाँ पर मिलेगा, सब कुछ मैंने बताया है। उस वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा, आप लोग वहाँ पर जाके देख लीजिए। अगर किसी को सैलरी स्लिप
के ऊपर डाउट है भाई सैलरी कितना मिलेगा, सैलरी स्लिप के ऊपर भी मेरा वीडियो है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके देख लेना। तो चलिए यही अपडेट देना था, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि SSC रिलेटेड ऐसे आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।